नमस्कार दोस्तों, रियाज विद मी इस सीरीज के मार्फत अलग अलग स्केल में हम आपके सामने रियाज की सेशन लेकर आ रहे हैं। इसी सीरीज के अंतर्गत आज की जो स्केल है वो है ए शार्प यानी काली पांच। ये स्केल भी जनरली सभी फीमेल्स यूज करती है और उसी के साथ साथ कम उम्र के यानी 13 से 14 उम्र के नीचे के जो सभी बच्चे हैं वो भी इसी स्केल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनके लिए भी एक कंफर्टेबल ऐसी स्केल है। तो हमेशा की तरह आप हेडफोन का यूज़ कीजिए और इसी वीडियो के साथ यानी मेरे साथ इस रियाज को शुरू कीजिए। और ये डेली प्रैक्टिस के लिए रियाज है यानी इसे हर रोज़ अपनी रियाज में शामिल करना है। इसके साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ज़्यादा समय को ना गंवाते हुए इस रियाज के सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। चार से पाँच मिनट तक सा को ही लगाना है, लेकिन जैसा पिछले वीडियो में हमने कहा था अलग अलग तरीके से सा को लगाना है, जैसे ओंकार हुंकार सा स्वर में और आकार में। सा लंबी और गहरी सांस लेना। सा अपने सांस के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, एक जैसे वो बाहर होने चाहिए। लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस लीजिए और कंट्रोल से उस पर अमल कीजिए। बिल्कुल एक जैसे स्थिर सुर लगने चाहिए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा वाइब्रेशन उस पर ना हो, स्थिर लगे एक जैसा। अब जैसे ही सा को चार से पाँच मिनट तक करना है, यहाँ पे समय के कारण थोड़ा सा शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके बार बार उसको लगा सकते हैं और जब चार से पाँच मिनट हो जाए तब वीडियो प्ले करके वापस आगे का फॉलो कीजिए। अभी जैसे हम सा को लगा लिए, समझिए पाँच मिनट हो गया, उसके बाद ही नीचे की तरफ जा रहा है। Thank you.
नीचे वाला जो पग है उसको बड़े ध्यान से लगाना है, ठीक से लगना चाहिए। हो सकता है शुरू शुरू में आपको कठिनाई हो, लेकिन जैसे जैसे आप रोज प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी आवाज में वो नीचे के सुर लगने स्टार्ट हो जाएंगे। इसको भी नीचे वाला जो प है इसको भी 4 से 5 मिनट तक करना है। सुर में कीजिए, आकार में कीजिए, हुंकार में कीजिए, अलग अलग तरीके से। फिर एक बार प लगने के बाद फिर से वापस हमारे सा की तरफ आना है। फिर मध्य सप्तक के सुर सा रे 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 सा रे ga re ga sa sa re ga re ga sa re ga ma Thank you.
धनी धर सा
जे